हम पिछले हफ्ते यहाँ पे आए थे, एक बाबा हमें मिले थे और बड़े इंटरेस्टिंग बाबा थे वो। हमने लास्ट मंडे उनसे वादा किया था कि हम आपको राशन ला के दे देंगे, क्योंकि वो नशा करते थे। हमसे क्या मदद चाहिए आपको? देखो, अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो शायद आप उसका गांजा पी जाएंगे। हम आपको राशन वगैरह भरते हैं। आप कितने दिन का राशन आपके पास में है? अभी तो हमारे पास 4-5 दिन का राशन है। 4-5 दिन का है ना, तो मैं आपको कम से कम 1 महीने का राशन दे के जाऊँगा। अगले मंडे में आपके यहाँ पे मैं पूरा एक राशन का पैकेट दे के जाऊँगा, ठीक है जी? इंतजार करेंगे आपका। और आज नेक्स्ट मंडे है और नेक्स्ट मंडे हम जा रहे हैं बाबा के पास उनके वादे के अनुसार उनको राशन देने के लिए। ये उनका राशन है और हमने लास्ट मंडे उनसे वादा किया था कि बाबा हम आपको राशन ला के दे देंगे। अब बाबा के पास चलते हैं। तो भैया ये रहे सामने बाबा, हमने वादा किया था आपसे। इंतजार कर रहे हो ना आप, वादा खिलाफी तो नहीं हुई? ये आपका राशन है, ठीक है जी? अपना राशन लो, खाओ पियो मौज लो, और पीने का इंतजाम तुम्हारा हो जाता है, खाने का इंतजाम आपका होगी। चलो आपका राशन इसमें दाल चावल चीनी चाय की पत्ती सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए। और जब हम भी जाएंगे आपको देंगे राशन, ठीक है? चलिए, खुश रहिए हमेशा। अच्छा, हमने कर दिया अपना वादा पूरा। हमारे बाबा को हमने वादा किया था कि हम जब नेक्स्ट मंडे आएंगे तो आपके लिए राशन लेकर आएंगे। अब ये इनका कर्म है, ये क्या करते हैं, नशा करते हैं, नहीं करते, ये जाने। लेकिन हमारा काम था इनको राशन पहुँचाना, वो हमने पहुँचा दिया। छोटी छोटी खुशी आप भी दे सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन एक ज़रूरतमंद हो उसकी आप ज़रूर मदद करें। उससे कर्म उसके साथ है और आपका जो आप काम कर रहे हैं, कर्म करें, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।